मार्स यानी मंगल ग्रह, जहां भविष्य में हम इंसान अपना अगला घर बसाने का ख्वाब देख रहे हैं और आने वाले 15 से 20 सालों में शायद ये सपना सच हो और हम मंगल ग्रह पे इंसानी बस्ती बसाने में सक्षम हो। और इसी चीज को आसान करने के लिए मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर और सरफेस को अच्छे से जानने की जरूरत थी और इसी के चलते हम इंसानों द्वारा मंगल ग्रह पर कई मिशन्स को सफलतापूर्वक भेजा गया, जिनमें लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर मिशन्स जैसे मिशन शामिल हैं। और इन मिशन्स में से सबसे इम्पोर्टेंट और चुनौती भरे मिशन्स रोवर मिशन ही होते हैं। अब तक 4 रोवर मिशन्स को मार्स पर सक्सेसफुली भेजा जा चुका है, जिनमें पाथफाइंडर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी जैसे हिस्टोरिकल मिशन्स हैं। और पिछले 30 जुलाई 2020 को नासा ने अपने मार्स 2020 मिशन्स के तहत परसीवेरेंस रोवर को मंगल पर भेजा और ये मिशन अपने 7 महीने के लंबे सफर के बाद 18 फरवरी 2021 को मार्स के जजीरो क्रेटर पर लैंड करने में कामयाब हुआ है। बाकी रोवर्स की तरह ही इस रोवर का भी मेन मिशन मार्स के एटमॉस्फेयर को और भी करीब से जानना और इसके साथ साथ मार्स पे किसी भी प्रकार के एंशियंट माइक्रोबियल लाइफ की खोज करना है। नासा द्वारा बनाया गया ये नेक्स्ट जनरेशन रोवर बेहद ही खास है, जिससे मार्स सैंपल रिटर्न मिशन और मार्स ह्यूमन मिशन में काफी मदद मिल सकती है। इसके अलावा भी इस परसीवेरेंस रोवर के साथ एक मार्शियन हेलीकॉप्टर मिशन भी मंगल ग्रह पर भेजा जा चुका है, जो कि किसी अन्य ग्रह पर भेजा गया अब तक का सबसे पहला एरियल मिशन है और इसी के चलते इस मिशन को इस सेंचुरी का सबसे इम्पोर्टेंट मिशन कहा जा रहा है। और इसी विषय के ऊपर आज हम हमारी इस वीडियो में आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहे हैं, तो हो सके तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी तक हम मार्स पर कुल 5 रोवर मिशन भेज चुके हैं, जिनमें सबसे पहला रोवर मिशन था नासा का मार्स पाथफाइंडर। इस मिशन को दिसंबर 1996 में लॉन्च किया गया था और जो जुलाई 1997 को मार्स की सतह पर सक्सेसफुली लैंड करने में कामयाब हुआ था। इस मिशन को प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन का रेवोल्यूशनरी मिशन माना जाता है, क्योंकि पहली बार इंसानी इतिहास में हमने किसी चलता फिरता रोवर किसी दूसरे प्लैनेट पर भेजा था। लेकिन दुर्भाग्य से ये रोवर केवल कुछ महीनों तक ही मार्स की सतह पर टिक पाया और सितंबर 1997 को इस रोवर से साइंटिस्टों का कनेक्शन टूट गया। लेकिन नासा ने हार नहीं मानी और साल 2003 के जून और जुलाई महीने में लगातार एक के बाद एक स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी नाम के रोवर्स मिशन को लॉन्च कर दिया और ये दोनों ही रोवर्स जनवरी 2004 को मंगल की सतह पर सक्सेसफुली लैंड हो गए। इन दोनों रोवर्स ने मंगल के बारे में हमारे नजरिए को ही बदल दिया। अभी हमारे पास मंगल से जुड़ी ज्यादातर जानकारी इन्हीं दो रोवर्स द्वारा भेजी गई है। और फिर मई 2011 को स्पिरिट रोवर के साथ हमारा कनेक्शन टूट गया और मंगल पर हुए खतरनाक तूफान की वजह से अपॉर्चुनिटी रोवर भी हमारे कनेक्शन से बिछड़ गया। इन्हीं मिशंस को आगे बढ़ाते हुए नासा द्वारा एक रोवर को साल 2011 में अब तक का सबसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी से लैद रोवर क्यूरियोसिटी को मंगल की ओर लॉन्च किया गया। ये रोवर अगस्त 2012 को मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करने में कामयाब रहा। क्यूरियोसिटी रोवर को एक चलता फिरता लैबोरेटरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें उस समय के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे, जो कि मंगल के एंशियंट लाइफ, सॉयल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ साथ मंगल के एनवायरनमेंट से जुड़ी सारी जानकारी जुटाने में 100% सक्षम थे और समय समय पे हमें मंगल से जुड़ी तरह तरह की जानकारियां और फोटोज वगैरह भी भेजता रहता है। लेकिन फिलहाल ये रोवर भी अब पुराना हो रहा है और इसकी एफिशिएंसी भी कम होती चली जा रही है और इसीलिए नासा ने मार्स एक्सप्लोरेशन को मद्देनजर रखते हुए अभी के टेक्नोलॉजी से लैद और सबसे एडवांस रोवर परसिवरेंस रोवर का इजाद किया। और इसी मिशन के तहत नासा ने एक ड्रोन हेलीकॉप्टर को भी काम पे लगा दिया, जिसका नाम इंजेन्यूटी रखा गया है। इस मिशन को पिछले साल 30 जुलाई 2020 में एटलस V541 रॉकेट के माध्यम से फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया था और जो 18 फरवरी 2021 को मार्स के जजीरो क्रेटर पर सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। और इसके लैंडिंग के आखिरी के 7 मिनट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और खतरनाक रहे, जहां उन 7 मिनटों में ये रोवर्स मार्स की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा था। वैसे मार्स पे नासा बहुत से मिशन को अंजाम दे चुका है, लेकिन सबसे चुनौतीपूर्ण काम किसी भी मिशन को मार्स पे लैंड कराने का होता है और इसका सबसे बड़ा रीजन है मार्स का कमजोर ग्रेविटी, जो कि अर्थ का 38% ही है और इसी कारण मंगल पर भेजा गया 40% मिशन ही सक्सेसफुल होता है, बाकी का 60% फेल। और इस बार इस मिशन के लैंडिंग के लिए मार्स पे मौजूद जजीरो क्रेटर को चुना गया, जो कि मार्स पे मौजूद 45 किलोमीटर का विशालकाय इंपैक्ट क्रेटर है। पिछले कई सालों से किए जा रहे रिसर्च के बाद और मंगल ग्रह की तस्वीरों को देखते हुए ये साफ सा पता चलता है कि आज से कई करोड़ों साल पहले मार्स भी हमारे अर्थ की तरह ही था,
जहां पानी के लेक मौजूद हुआ करते थे। और ऐसे में परसिवरेंस रोवर का असल काम इस क्रेटर को अच्छे से अध्ययन कर मार्स पर एंशियंट माइक्रोबियल लाइफ की खोज करना है। परसिवरेंस रोवर का डिजाइन काफी हद तक नासा के क्यूरियोसिटी रोवर जैसा ही है, लेकिन इसमें क्यूरियोसिटी के मुकाबले काफी एडवांस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। परसिवरेंस रोवर में सबसे ज्यादा एडवांसमेंट इसके लॉन्ग रेंज मोबिलिटी सिस्टम में किया गया है, जिससे कि ये 20 किलोमीटर तक सफर एक बार में तय कर सकता है। इसके साथ साथ ये पहला ऐसा रोवर है जिसमें ड्रिल सिस्टम भी मौजूद है, जो कि मार्शियन सॉयल और रॉक को इकट्ठा कर उन्हें एक विशेष कैप्सूल में जमा करके रखेगा और ये सैंपल साल 2030 तक अर्थ पर वापस आएंगे और तब जाकर पहली बार वैज्ञानिकों को मार्स के सॉयल और रॉक्स को अध्ययन करने का मौका मिलेगा, जिसकी रिसर्च से साइंटिस्ट मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर और सरफेस के बारे में काफी बारीकी से जान पाएंगे। इन जानकारियों की मदद से भविष्य में मंगल पर इंसानी मिशंस और मार्स पे इंसानी बस्ती बसाने में काफी हद तक आसानी होगी। परसिवरेंस रोवर पर एक अनोखा इक्विपमेंट भी मौजूद है, जो कि मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने का काम करेगा और इससे इकट्ठा की गई जानकारियों की मदद से वैज्ञानिक मार्स पे जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे अन्य इक्विपमेंट डिजाइन करने के लिए करेंगे। इसके अलावा भी ये रोवर मार्स के वेदर और इसके वातावरण में मौजूद धूल का भी अध्ययन करेगा, ताकि साइंटिस्ट मंगल ग्रह के सीजनल वेदर चेंज और डस्ट स्टॉर्म के बारे में और भी ज्यादा जानकारी जुटा सके और परसिवरेंस रोवर से हासिल की गई सारी जानकारी भविष्य में होने वाले मार्स ह्यूमन मिशन में वैज्ञानिकों की काफी मदद करेंगे। नासा द्वारा परसिवरेंस रोवर के साथ इनजेन्युइटी नामक एक ड्रोन हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है, जो कि एक हल्के बॉल जैसा है और जिसका वजन 1.8 किलोग्राम है और ये इंसानी इतिहास में पहली बार है कि जब किसी ड्रोन हेलीकॉप्टर को पहली बार अन्य ग्रह पे भेजा गया है। वैसे ये परसिवरेंस रोवर मिशन मार्स मैन्ड मिशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट मिशन है, जिससे कि आने वाले भविष्य में मार्स पे इंसानों को भेजना और मार्स पर इंसानी बस्ती बसाने के ख्वाब को पूरा करने में अपना योगदान करेगा। दोस्तों, इस मिशन के बारे में आपकी क्या राय है? क्या यह मिशन आने वाले समय तक कामयाब हो पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।